हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद डोरिन्स रेसिपी। आज मैं आप लोगों के शेयर करूंगी चिकन स्किन की रेसिपी, चिकन की खाल की रेसिपी, और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप करके मत देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ये देखिए। चिकन स्किन बनाने के लिए मैंने 3 चिकन स्किन ली है, अच्छी तरह से साफ करके धो के ये देखिए छोटा छोटा करके मैंने काट लिया है। और इसके साथ मैं ले रही हूँ 2 प्याज, एक मैं काट लूँगी और एक प्याज मैंने पीस ली है, और 2 मीडियम साइज़ के आलू, 3 हरे मिर्च और थोड़ा सा मैंने ली है हरा धनिया। और उसके साथ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, और साथ में मसाला मैं ले रही हूँ 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा मैंने ली है दालचीनी, 3 इलायची, 4/5 मैंने ली है काले मिर्च की दाना, 5 से ली है सूखे लाल मिर्च और आधा चम्मच मैंने ली है साबुत जीरा। पहले साबुत जीरा, लाल मिर्च और काले मिर्च अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लूँगी, और बाकी मसाले मैं आप लोगों को बनाते समय दिखाते जाऊँगी। और प्लीज़ आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए और मेरे वीडियो को स्किप करके मत देखिए। और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपी है, आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चिकन स्किन रेसिपी बनाने के लिए मैंने सरसों की ऑयल ली है, और तेल अब गर्म हो गया है, और अब मैं डालूंगी आलू। आलू हल्का सा फ्राई कर लूंगी। हल्का सा ही फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई हमें नहीं करना है। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप लोग एक बार ज़रूर घर में बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। ये देखिए आलू हल्का सा फ्राई कर लिया है, ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही फ्राई कर लिया है। और अब इसी तेल में मैं डालूँगी तेज़पत्ता, 3 इलायची और छोटा सा मैं दालचीनी का टुकड़ा लिया था और वो भी मैं डाल रही हूँ। दालचीनी और इलायची हल्का सा मैंने कूट लिया है ताकि फ्लेवर अच्छे से निकले। अब डालूँगी प्याज, जो प्याज मैंने काट कर रख दिया था और वो मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं चला लूँगी ताकि हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। ये देखिए प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो गए है, और अब मैं डालूँगी जो मैंने पीस कर रखी थी प्याज, वो फिर से चलाऊँगी ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। प्याज के साथ अब मिलाऊँगी 1 चम्मच जो मैंने ली थी अदरक और लहसुन की पेस्ट, फिर से थोड़ा सा चला दूंगी ताकि अदरक और लहसुन का भी कच्चापन चले जाए। और अब मैं मिलाऊंगी जो मैंने पीस कर रखी थी लाल सूखे मिर्च, काले मिर्च और जीरा। फिर से अच्छी तरह से मिलाऊंगी, और उसके साथ मैं ले रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, नमक मैं ले रही हूँ स्वाद अनुसार, और आधा चम्मच मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फिर से एक बार चलाऊंगी, और उसके बाद थोड़ी सी पानी मिलाऊंगी, और पानी मिलाकर फिर से ऐसे चलाते रहूंगी और मसाला अच्छी तरह से भूनूंगी। ये देखिए गैस की फ्लेम मीडियम में रखिए और मसाला अच्छी तरह से भूनते रहिए। मसाला 2 मिनट ऐसे मैंने भून लिया है, और अब ढक्कन लगा दूंगी, फिर से 3-4 मिनट मसाला अच्छी तरह से भूनने दूंगी। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, और ये देखिए तेल भी रिलीज हो रहा है, और अब मैं एक बार फिर से चला दूंगी। मसाला हमें बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, आप लोग भी ठीक इसी तरह से मसाला भूनकर ये रेसिपी बनाइए, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब मैं मिलाऊंगी ये देखिए चिकन की स्किन अच्छी तरह से, अब हमें मसाला में मिला लेना है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, आप लोग भी ठीक इसी तरह से बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा।
ये साफ़ करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये रेसिपी है। मसाला 3-4 मिनट अच्छी तरह से मसाला में भून लिया है और अब मिलाऊंगी 3 मैंने ली है हरी मिर्च, 20 में मैंने कट लगा दी है और आलू जो पहले से ही हल्का सा फ्राई करके रख दिया था, और ये भी अच्छी तरह से मिलाऊंगी। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आई है और खाने में ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप लोग ये रोटी पराठा और गर्मा गर्म चावल के साथ खाइए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और घर में भी आप लोगों के सबको बहुत ही अच्छा लगेगा और सब लोग आपकी बहुत ही तारीफ करेंगे कि इतना अच्छा कैसे बनाया। और इसी तरीके से बनाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और ये देखिए मैंने मसाला में अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम में ढक्कन लगा दूंगी 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोग ये बनाने के लिए पहले ही बहुत सारे ऑयल नहीं यूज़ कीजिए, थोड़ा सा ही ऑयल में मसाला अच्छी तरह से भून लीजिए, क्योंकि चिकन के स्किन में भी फैट होता है तो ये बहुत ही तेल होता हो जाता है, इसलिए पहले ही आप लोग बहुत सारा तेल मत डालिए। और अब मैं मिला रही हूँ ये देखिए थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, साथ में मैं ले रही हूँ थोड़ी सी जीरा पाउडर, जीरा मैंने पीस कर भी ली थी और अब मैं थोड़ा सा पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ थोड़ा सा धनिया की पत्ते फिर से अच्छी तरह से मिला दूंगी। और अब मैं मिलाऊंगी पानी। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मैं डाल रही हूँ पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, आप जितना ग्रेवी खाना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी मिलाइए। थोड़ा सा मैं और पानी मिलाऊंगी। ये देखिए ये हो गया और अब मैं ढक्कन लगा दूंगी, फिर से 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाऊंगी और आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी। ये देखिए चिकन स्किन की रेसिपी तैयार हो गई है और अब मैं डाल रही हूँ फिर से थोड़ा सा धनिया के पत्ते। देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, एक बार आप लोग ज़रूर घर में बनाकर खाइए। और अब मैं आप लोगों को एक प्लेट पे निकाल कर दिखाऊंगी। ये देखिए एक बार मैं सलाकर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, और अब मैं आप लोगों को प्लेट में निकाल कर दिखाऊंगी। ये देखिए हमारे चिकन स्किन की रेसिपी तैयार हो गई है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप लोग रोटी पराठा और गर्मा गर्म चावल के साथ खाइए, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आई है। और आप लोग प्लीज़ इसी तरीके से बनाइए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को पहले ही मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।